सर नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सुरक्षित होंगे। मैं राहुल सिंह, CEO भूमिदेखो.com, डायरेक्टर बांग्लादेखो.com। हम उत्तर प्रदेश के 4 महानगर में प्लॉट उपलब्ध कराते हैं। अगर इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। फेसबुक पर अगर आप इसे देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल सिंह, भूमिदेखो.com का CEO, बांग्लादेखो.com का डायरेक्टर। आज हम बात कर रहे हैं रियल इस्टेट सेक्टर क्या है। रियल इस्टेट सेक्टर में काफ़ी लोग कन्फ्यूज रहते हैं कि इसमें किसको रियल इस्टेट सेक्टर कहा जाए, किसको ना किया जाए। काफ़ी लोग अपार्टमेंट को अलग कहते हैं, डुप्लेक्स हो गया, प्लॉटिंग हो गई, एग्रीकल्चर हो गया, ये सारी चीज़ें लेकर कन्फ्यूज में रहते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं रियल इस्टेट के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में। खास बात यह है कि रियल इस्टेट सेक्टर जो है ज़मीन से जुड़ी हुई, यानी ज़मीन में प्लॉटिंग, एग्रीकल्चर, कमर्शियल और भी चीज़ें जो कंस्ट्रक्शन होती रहती हैं, उसे रियल इस्टेट सेक्टर कहा जाता है। यानी ज़मीन से रियल कोई भी जुड़ के प्लॉटिंग कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, वो रियल इस्टेट सेक्टर से ही जुड़ा हुआ है। दूसरी बात कि अगर आप एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उस पर आप काम कर रहे हैं, तो वो भी रियल इस्टेट सेक्टर से ही आता है। काफ़ी पुरानी सभ्यता में कुछ और परिभाषित हुआ करते थे, लेकिन अब इसको अलग परिभाषा में लिया गया है। रियल इस्टेट सेक्टर को अलग परिभाषा में लिया गया है और इसको आप मान के चलिए कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हुई अपार्टमेंट, बिल्डिंग, ये जो चीज़ें आप बना रहे हैं, ये सब रियल इस्टेट में आते हैं। अगर रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उसके बगल में कमर्शियल प्लॉट है या प्लॉटिंग की जा रही है, तो वो भी अब रियल इस्टेट सेक्टर में आ रहा है, जिसमें आप कमर्शियल सेक्टर कहा जा सकता है। प्रोडक्ट में काफ़ी अच्छे दाम या अच्छे कीमत पे वहाँ पे दुकानें चलती रहती हैं, कमर्शियलाइज, यानी वहाँ पे कमर्शियल उसको बना ही गया है। मिलते हैं रियल इस्टेट सेक्टर में करियर का स्कोप क्या है नेक्स्ट वीडियो पे। आई बटन को क्लिक करें और पता करें कि कब ये वीडियो आ रही है और कैसे आप देखेंगे करियर की क्या स्कोप है। थैंक यू सो मच।